Hello everyone, welcome or welcome back. I hope you're doing really really well and welcome back to yet another new launch as well as a requested video. आज हम बात करने वाले हैं about this newly launched Ecologica का Radiance Juicy Dew Drop. Now if you remember, काफ़ी महीने पहले I think last year इन्होंने अपनी Glow Plus रेंज का एक Dew Drop निकाला था which I absolutely love because of that light watery texture और जो ग्लो वो देता था. मैंने आपको हाफ फेस चैलेंज करके दिखाया था, वही आज हम इसके साथ भी करने वाले हैं. विल सी कि कैसा फील आता है, हाउ इट लुक्स और कौन से स्किन टाइप और कौन से स्किन टोन्स को इसकी तरफ जाना चाहिए. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की ये पैकेजिंग में आता है जिसमें ऑलमोस्ट आपको सारा इन्फॉर्मेशन मेंशन होता है. ये है इसका अंदर का क्यूट सा ड्रॉप काइंड ऑफ अ पैकेजिंग. नाउ इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्किन केयर जो आपको इंस्टेंट ग्लो और रेडियंस लाने में हेल्प करता है. नाउ वी ऑल नो दैट Ecologica के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर इनकी यूनिक पेटेंटेड वाटर लॉक टेक्नोलॉजी होती है, वो आपको इसके अंदर भी मिलेगी जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगी बिकॉज उसके अंदर आपको हाइलुरोनिक एसिड और एक्वापोरिन चैनल जो होते हैं हमारी स्किन के उनको बूस्ट करने वाले इंग्रेडिएंट्स इन्होंने इसके अंदर डाले होते हैं. साथ के साथ इन्होंने इनके अंदर डाले होते हैं ब्लेंड्स ऑफ फ्रूट एंड एक्टिव. तो यहाँ पे वाटरमेलन एंड नायासिनामाइड का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है, एट द सेम टाइम आपकी स्किन में रेडियंस लाने में हेल्प करता है. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ड्यू ड्रॉप्स आर कि इनका जो टेक्स्चर्स है ना बहुत ज़्यादा लाइट है, लाइक वॉटरी से टेक्स्चर्स हैं ये, तो इंस्टेंटली सिंक इन हो जाते हैं और बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं फील होती है आपको अपने फेस पे, ना ही स्टिकी वाला फील आता है बिकॉज इनके अंदर कोई भी ऑयल्स नहीं डले हुए हैं. सो इफ ए पर्सन लाइक मी जिसका ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है और स्पेशली क्लोज कॉमेडोन्स वाला स्किन है, बहुत जल्दी अगर आपके पोर्स हैं जो क्लॉग हो जाते हैं, तो आई थिंक फॉर यू इस तरह के जो प्रोडक्ट है ना वो ज़्यादा काम करेंगे इंस्टेड ऑफ क्रीमी टेक्स्चर्स और समथिंग जिनके अंदर यू नो ऑयल्स डले हुए हैं. सो ये वाटरी से टेक्स्चर्स हैं तो इट गोना बी सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, स्पेशली इफ यू आर ऑयली एक्ने प्रोन एंड क्लोज कॉमेडोन प्रोन पर्सन. सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ फेस चैलेंज, जहाँ पे मैं इसको वन साइड अपने फेस के अप्लाई करूंगी. जिस साइड पे मैं इसको अप्लाई करूंगी वहाँ पे जो स्किन है दैट्स लुक्स मच मोर रेडियंस और बहुत ज़्यादा ग्लो और एकदम से अंदर से वो रेडियंट सी स्किन नज़र आ रही है. सो यू कैन सी द डिफरेंस बाय योर सेल्फ कि ये कैसा फील होता है ऑन द फेस. इसको यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप इसको एज अ लास्ट स्टेप कर सकते हो आपके स्किन केयर का वंस यू डन विद योर टोन सिरम और मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, उसके बाद आप इसको लगा सकते हो. और अगर आप चाहते हो तो आप अपने मॉइस्चराइजर में एक से दो ड्रॉप इसकी मिक्स करके देन एक टिंटेड वाला इफेक्ट आप अपने फेस पे, ग्लोई वाला फेस फील आप अपने फेस पे ले सकते हो. थर्ड वे में आप इसको अपनी फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हो. अगर आप मेकअप करने वाले हो तो आप उसमें इसको मिक्स कर सकते हो. इन शॉर्ट जैसे आप अपनी स्ट्रोक क्रीम्स यूज़ करते हो ना वैसे ही आप इसको भी यूज़ कर सकते हो. ना बहुत सारे लोग मेरे से पूछेंगे कि ये बेटर है या ये ग्लो प्लस वाला बेटर है. नाउ सी दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो थोड़े से एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं ब्लेंड्स ऑफ फ्रूट एंड एक्टिव वो डिफरेंट है, प्लस इनका जो कलर पे ऑफ है आई वुड से जो ये हिंट देते हैं वो हिंट डिफरेंट है. नाउ इसके केस में बात करूँ ग्लो प्लस के तो इसमें हल्का सा आपको गोल्ड टिंट मिलता है विच गोना बी सूटेबल फॉर आई वुड से जो मीडियम टू डार्क टोन्स हैं उन पे वो ज़्यादा अच्छा लगता है गोल्ड टोन्स. और अगर आप इसकी बात करो तो ये हल्का सा पिंकी सा हिंट देता है, तो ये होगा फॉर वेरी फेयर टू जो फेयर वाले रेंज में आते हैं और मीडियम वाली रेंज तक के स्किन टोन पे भी ये परफेक्टली चला जाएगा. मैं मीडियम से उसमें आती हूँ तो मेरे पे ये दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये वाइट आउटफिट पहना है सो आई वॉन्ट समथिंग यू नो थोड़ा पिंकी सा ग्लो चाहिए बिकॉज मैंने पिंक लिपस्टिक लगाया है. सो आई यूज़ दिस वन. अगर मैं मान लो शादी में जा रही हूँ मैंने कुछ गोल्डनिश सा आउटफिट पहना है तो आई वुड गो विद द दिस वन बिकॉज मेरे को गोल्ड हिंट चाहिए, तो मेरे पे ये दोनों ही सूट करते हैं. बट अगर आप यू नो डार्क स्किन टोन हैं तो आई वुड से कि डोंट गो फॉर दिस वन, अदरवाइज ये थोड़ा सा यू नो अजीब लग सकता है. सो फॉर दैट आई वुड से कि गो फॉर दिस वन. इट्स टोटली ऑन यू व्हाट यू प्रेफर. यू वॉन्ट गोल्डन टिंट यू कैन गो फॉर दिस वन, इफ़ यू वॉन्ट द पिंक टिंट यू कैन गो फॉर दिस वन. सो इन दोनों में से जो भी आप परचेज करोगे डोंट फॉरगेट टू अवेल 20% ऑफ विद अ कोड विच इज़ भावना 20, जो कि स्पेशली आप
आप लोगों के लिए है जो सिर्फ एकोलॉजिका की साइट पे ही लगेगा, और कोशिश करना कि इनकी साइट से ही परचेज करो सो दैट यू नो आप इनके मिशन में भी इनकी हेल्प कर सको टू प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक्स दिए हुए हैं, चेक कर लेना, ट्राई करना, और इसमें से कोई आपने यूज़ किया है तो मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर देना कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे इनके साथ। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।